हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अजय कुमार स्वागत करता हूँ आपका एक के मेंटोर में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल से भरे जाने वाले पोस्ट एनएसएसओ में एलडीसी के जॉब प्रोफाइल के बारे में। आज हम इन्हीं के बारे में बहुत सारी चीजें जानेंगे कि इनका डिपार्टमेंट में काम क्या होता है, इनका प्रमोशन, इनका ट्रांसफर और भी बहुत कुछ जिसको कि आपको जरूरत पड़ेगी यदि आपकी नौकरी इस डिपार्टमेंट में लगती है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और यदि चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले थोड़ा सा आप एनएसएसओ के बारे में जान लीजिए कि इस डिपार्टमेंट में काम क्या होता है। एनएसएसओ, इसका फुल फॉर्म है नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। एनएसएसओ डिपार्टमेंट का काम हमारे मतलब देश में बहुत सारी चीजों में सर्वे करना है और वहां से जो भी डाटा एकत्र होता है उनको दिल्ली भेजना रहता है ताकि बहुत सारी योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। मतलब उस डाटा के अनुसार कि कहाँ पे क्या जरूरत है, कहाँ पे क्या नहीं, उसी के अनुसार वहां पे उन योजनाओं में पैसा खर्च किया जा सके या फिर जो भी चीजें हों। तो और यहाँ पे जो काम है, मेन काम वो आपका फील्ड वर्क का है। इसमें मेन काम आपका फील्ड वर्क का है, मतलब एलडीसी का नहीं, ये एनएसएसओ डिपार्टमेंट में अधिकतर काम फील्ड वर्क का है। ये जो यहाँ पे एनएसएसओ में जो डाटा एकत्र किया जाता है वो एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, कंज्यूमर प्राइस और भी बहुत सारी चीजों पर डाटा एकत्र करके उसे भेजा जाता है। तो ये तो हुआ एनएसएसओ डिपार्टमेंट के बारे में, जो कि मैंने थोड़ा बहुत जानकारी एकत्र की और आपको बता दिया। अब आप एलडीसी के बारे में जान लीजिए कि एलडीसी का डिपार्टमेंट में काम वो नोटिंग, ड्राफ्टिंग, डायरी डिस्पैच, टीएडीए बिल तैयार करना, इसके अलावा भी इनका बहुत सारे डिपार्टमेंट में, बहुत सारे सेक्शनों में, अलग अलग तरह के सेक्शन में अलग अलग तरह का काम होता है। जैसे कि मान लीजिए इनका ट्रांसफर होता है अकाउंट सेक्शन में, तो वहाँ पे सर्विस बुक से संबंधित काम हुआ, पेंशन से संबंधित काम हुआ, वहीं पे टीएडीए बिल भी बनता है। तो ये एक एलडीसी का ही काम होता है वहां पे, एलडीसी और साथ में इनका जो सुपीरियर होते हैं यूडीसी। तो ये एलडीसी का वहां पे काम है सेक्शन में। एलडीसी का जो एग्जैक्ट सुपीरियर होते हैं वो यूडीसी होते हैं। उन्हीं से अगर कुछ काम में कुछ जानकारी प्राप्त करना हो तो वो यूडीसी से ही पूछ के करेंगे। और इनका जो डिपार्टमेंट में काम होता है वो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं है। आप ऑफिस आवर में काम किए और आराम से अपना घर चले गए, तो काम का प्रेशर भी यहाँ पे नहीं है बहुत ज्यादा। अब हम बात करें इनका जो शुरू में जब ये ज्वाइन करते हैं तो ज्वाइनिंग के कुछ ही दिनों बाद इनका ट्रेनिंग कराया जाता है। वो इसलिए कि इनको थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज दे दी जाती है डिपार्टमेंट के बारे में, डिपार्टमेंट के काम के बारे में कि क्या क्या काम होगा। और वो जो शुरुआती जो ट्रेनिंग होता है वो एक वीक का ट्रेनिंग होता है और ये ट्रेनिंग सबको कराया जाता है। जो भी ज्वाइन करता है इसमें एनएसएसओ में तो वो सबको ट्रेनिंग ये दिया जाता है। हम बात करें इनके ट्रांसफर के बारे में, तो इनका ट्रांसफर जो है वो एक ही स्टेट में बहुत सारे ऑफिस, जो कि दो चार ऑफिस होते हैं सब ऑफिस, उन्हीं ऑफिस में इनका ट्रांसफर होता है ज्यादातर। आपका बाहर ये नहीं कि बाहर आपको दूसरे स्टेट में भेज दिया जाएगा, ट्रांसफर आपके एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस वैसे ही होते रहेगा। और इनके ट्रांसफर का एक और रूल है, मतलब इसमें आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी मांग सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई कहीं दूसरे स्टेट में है और वो आपकी जगह पे आना चाहता है और आप उसके जगह पे, तो वैसे एक म्यूचुअल ट्रांसफर का भी इसमें ऑप्शन दिया जाता है। तो म्यूचुअल ट्रांसफर से भी आप चाहें तो दूसरे जगह जा सकते हैं, या फिर एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर होता है। ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर मतलब जैसे कि मान लीजिए आप भी नौकरी कर रहे हैं और आपका शादी हो गया, आपकी वाइफ भी नौकरी कर रही है, तो आप वहां जाना चाहते हैं तो ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर भी इसमें इजिली मिल जाता है। या फिर ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर में ये भी कि जैसे कि आपके मम्मी पापा का तबीयत खराब रह रहा है या फिर वो अकेले हैं, तो उस दौरान भी आप ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर मांग सकते हैं, तो वहां से भी आपको ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफर दे दिया जाता है। तो
तो ट्रांसफर के यही इसमें थोड़े बहुत रूल थे जो कि आप ट्रांसफर के लिए अपना यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनका शुरुआती जो सैलरी होता है वो इनका शुरुआती बेसिक पे एलडीसी मतलब एलडीसी का जो ग्रेड पे होता है शुरुआती वो 1900। इनका अगला जो प्रमोशन होगा अगला वो एलडीसी से यूडीसी और यूडीसी से हेड क्लर्क। इनका यही प्रमोशन का रूल है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप हेड क्लर्क तक जा सकते हैं हेड क्लर्क, और हेड क्लर्क से आगे न के बराबर ही प्रमोशन आपको मिलता है। तो एक एलडीसी के ग्रेड पे हुआ 1900 और यूडीसी 2400 और हेड क्लर्क जो हुए उनके ग्रेड पे होता है 4200। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा तक हेड क्लर्क तक जा सकते हैं प्रमोशन का। तो प्रमोशन जो है इसमें वो बहुत ही स्लो है, मतलब दूसरे स्लो क्या, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट जो भी हैं सीएचएसएल से उसमें बहुत सारे एलडीसी जो है वहाँ पे हर जगह प्रमोशन फंसा हुआ है, मतलब ऐसे ही स्लो किया गया है प्रमोशन को, ये जानबूझ के या फिर कैसे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन प्रमोशन हर जगह एलडीसी के स्लो ही है। मैंने कैसे ही वीडियो बनाया था एएसआई में एलडीसी का, वहाँ भी प्रमोशन का ऐसा ही हाल है। तो ये हो गया एक एनएसएसओ में एलडीसी के जो प्रोफाइल के बारे में, जो कि मैंने एक अपने दोस्त से इस बारे में पूछा और उन्होंने ये बताया। तो वीडियो कैसा लगा वीडियो को कमेंट में बताइए, इस मतलब वीडियो कैसा लगा आपको, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।